मैं हूं आपके साथ नम्रता। क्या हार्दिक पर चढ़ गई है कप्तानी की खुमारी या फिर इस आईपीएल की पहली हार ने हार्दिक का दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया है। पहले तो वो हार के लिए विपक्षी टीम के गेंदबाजों की लंबाई पर ठीकरा फोड़ते नजर आए और अब उनका इसी मैच से संबंधित वीडियो बहुत चर्चा में है, जिसमें वो सीनियर खिलाड़ी और अपने टीममेट मोहम्मद शमी को अपशब्द बोलते हुए दिखाई पड़ रही हैं, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जब हैदराबाद लक्ष्य का पीछा कर रही थी तो गेंदबाजी कर रहे हार्दिक की गेंद पर सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद शमी कैच लेने की कोशिश करते हुए नहीं दिखे। हालांकि हो सकता है कि शमी के दिमाग में ये चल रहा हो कि बाउंड्री बचानी है, क्योंकि अगर वो कैच लेने के लिए आगे भागते तो हो सकता था कैच छूट जाए और गेंद 4 रन के लिए चली जाए। इस कारण शमी ने चौका रोकना सही समझा, लेकिन हार्दिक को ये ठीक नहीं लगा और वो चिल्लाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वाक्य तब हुआ जब हैदराबाद की पारी के 13वें ओवर में हार्दिक गेंदबाजी कर रहे थे। हार्दिक ने बाउंसर मारा, जिस पर त्रिपाठी ने डीप थर्ड मैन की तरफ हवा में शॉट खेला जहां शमी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि ये कैच होगा, लेकिन शमी सुस्त नजर आए और उन्होंने कैच लेने की कोशिश करने के बजाय चौका रोकना सही समझा। ये देख हार्दिक बौखला गए और शमी पर चिल्लाते हुए नजर आए। आपको बता दें, इस ओवर में हार्दिक 2 छक्के भी खा चुके थे, जिसका गुस्सा उन्होंने सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद शमी पर निकाल दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद हार्दिक की सोशल मीडिया पर क्लास लग रही है। हार्दिक को नसीहत मिल रही है कि वो कप्तानी संभालने के बाद आपा खो बैठे हैं, साथ ही सीनियर्स का सम्मान करना भी भूल गए हैं। शमी ने तो हार्दिक के रिएक्शन पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन हार्दिक को सोशल मीडिया पर उनके व्यवहार के कारण ट्रोल किया जा रहा है। वहीं इस मुकाबले की बात करें तो गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए थे। इसमें हार्दिक के 42 गेंदों में नाबाद 50 रनों की पारी भी शामिल थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम ने 2 विकेट खोकर 168 रन बनाए और मैच को अपने नाम कर लिया। ये हैदराबाद की 4 मैचों में सीजन की 2री जीत रही।